देश में जो सरकार है मर्दों की सरकार है, घर में घुसकर मारती है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। बाराबंकी जिले में आयोजित राष्ट्रीय एकता अभियान कार्यक्रम में आज बतौर मुख्य अतिथि यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जनपद के एक निजी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 एवं 35 से समाप्त करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद एक राष्ट्र एक संविधान के तहत जिले में जन जागरण व प्रबुद्ध गोष्ठी के आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों सहित तमाम प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मंच से संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर में धारा 370 एवं 35 के हटाए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि इस 70 साल की समस्या का निपटारा हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मात्र 70 मिनटों में हल कर दिया। देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का तो नाम ही नहीं लिया, मगर उससे 35 को और जोड़ दिया था। कांग्रेस पार्टी ने इस धारा में संशोधन करते हुए कश्मीर में दो झंडे लगने का विधान लागू किया था, पहला कश्मीर का और दूसरा देश। और उसमें ये भी संशोधन किया गया कि कश्मीर में कोई भी हमारे देश के झंडे का अपमान करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मोदी सरकार ने संसद के पहले सत्र में ही जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को संरक्षण देने वाले संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये मर्द लोगों की सरकार है, घर में घुसकर मारती है। सरकार ने कश्मीर में दंगे करने वाले नेताओं को नजरबंद किया है, जिस वजह से कश्मीर में धारा 370 एवं 35 को हटे अब तक महीने से अधिक का समय हो गया है, मगर अभी तक कश्मीर में किसी भी प्रकार के दंगे की खबर नहीं आई है। गोपाल स्वामी अय्यंगर ने आने के बाद वहां पर किया क्या कि उन्होंने आने के बाद में उस धाराओं पे धारा लगा दी कि पंचायत में चुनाव नहीं होगा। कश्मीर की जो महिला होगी, लड़की होगी, उसका विवाह अगर कश्मीर के अलावा अगर वहां उत्तर प्रदेश में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, राजस्थान में हो गया, तो उसी कश्मीर की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। अगर जम्मू कश्मीर की लड़की का विवाह पाकिस्तान में हो गया तो पाकिस्तान का जो नागरिक है वो हिंदुस्तान का दामाद बन जाएगा, आके जम्मू कश्मीर में उसको नागरिकता मिल जाएगी, और जम्मू कश्मीर में नागरिकता मिलेगी तो उसके नाते उसको हिंदुस्तान का नागरिकता, भारत की नागरिकता उसको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। यानी पाकिस्तान से विवाह करो तो नागरिकता मिलेगी, और हिंदुस्तान की किसी से विवाह अगर हो जाए तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हिंदुस्तान में रहने के बाद में इतनी इतनी भयंकर, इतनी आघातक, इतनी राष्ट्र को चोट पहुंचाने वाली धाराओं को उसमें शामिल किया गया, और शामिल करने के बाद जेके एलएफ ऐसी संस्था, जमाते इस्लामी ऐसी संस्था ऐसी थी जो खुलेआम बोलते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद क्या होता था, बैठ के उनको बिरयानी खिला के 26 जनवरी 15 अगस्त को उनको बुला के उनसे बात की जाती थी। पहली बार क्या हुआ कि जब ये आपका लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ तो पहली बार जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा जम्मू कश्मीर में, पहली बार जेकेएलएफ पर प्रतिबंध लगा, पहली बार इन नेताओं को नजरबंद इसलिए किया गया कि एक भी घटना एक महीना से ऊपर हो चुका है, एक भी व्यक्ति का कि मृत्यु जम्मू और कश्मीर में दंगे के कारण नहीं हुई।